कोई समस्या अगर है तो विशेष रवि जी इमीडिएट इफेक्ट आ जाते हैं, यानी कि इमीडिएट है, खुद आ जाते हैं भाई साहब। सबसे बढ़िया काम ही इन्होंने किया है, बाकी किसी ने काम ही नहीं किया। बीजेपी फ्री नहीं दे रही, शुरुआत तो अरविंद केजरीवाल ने करी है ना, तो अच्छा किया ना, फ्री दे रही है। तो जो लोग लूट रहे थे वो लोग उन्होंने बांटना शुरू कर दिया लोगों को। अच्छा। बीजेपी जो है ये दिल्ली में इनकी ज्यादा हुकूमत है। अच्छा। इसलिए डराते हैं और लोगों को लूटते हैं। बीजेपी ये सबसे बढ़िया केजरीवाल है, इससे बढ़िया कोई आज जिंदगी में आदमी नहीं आया। देश के लिए क्या घूम रहे हैं, अपने लिए घूम रहे हैं। अच्छा। हर रोज ना कपड़े बदलते हैं, नए से नए कपड़े बदल के जाते हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? करोड़पति में अमिताभ बच्चन को मिलते हैं कपड़े, ऐसे उनको मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार। आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी पहाड़गंज इलाके में और बिल्कुल इसके सामने जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। देखिए जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ से विधायक है विशेष रवि, उन्होंने कैसा काम किया है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितना साफ सफाई की व्यवस्था देखी जा रही है और जो है लोगों के घर तक कितना साफ पानी पहुँच रहा है। तो देखिए तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और ये भी बात करेंगे कि दिल्ली वालों को फ्री की सुविधाएँ जो है वो कैसी लग रही है, वो मिल भी रही है या नहीं। और आने वाले समय में देखिए 3-4 महीने का वक्त है दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने, दिल्ली की जनता क्या कुछ चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर से चाहती है कि फ्री सुविधाओं के साथ आम आदमी पार्टी फिर से आए। आपका क्या नाम है सर? केसी पाटिया। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरा ट्रैवल का काम। ट्रैवल का काम है। कितने समय से है ये? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी है वो 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, कैसा काम किया है उन्होंने, कितना फायदा पहुंच रहा है आपको? सबसे बढ़िया काम ही इन्होंने किया है, बाकी किसी ने काम ही नहीं किया। अच्छा। जब से ये आए हैं सब जनता सुखी है। अच्छा। दुखी वो है जो इनसे जलते हैं। कौन जल रहा है इनसे? ये बीजेपी, और किसने जलना है? बीजेपी वाले कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है, चोर है केजरीवाल। हाँ तो वो तो कहेंगे ही ना, उनको मिल कुछ नहीं रहा ना, वो खाना चाहते हैं। हाँ। उनको खाने से बंद किया तो उन्होंने भ्रष्टाचार बना दिया। वो एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे लोगों के, आधे पैसे घर के बच रहे थे, अब ये पूरे रेट पे बेच रहे हैं, ये कितना कमा रहे हैं? जब 500 की बोतल वो 250 में दे रहे हैं, ये 500 की बोतल 500 में बेच रहे हैं, तो ये कितना कमा रहे हैं? पर ये भी कहा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कई लोगों के घर भी उजड़े हैं, कई माताएं बहन कोई नहीं उजड़े, पीने वाले ने तो पीनी है, उजड़ना कहा उन्हें, उसके तो आधे पैसे बच गए। अच्छा। तो घर वालों को खाने को मिला, बच्चों को खाने को मिला, बच्चे सुखी हुए ना। अच्छा ये बताइए जैसे ये फ्री की सुविधाएं कहते हैं कि हमारी जो फ्री की सुविधा है उससे जनता खुश है और जनता को वाकई में वो मिल भी रही है, कौन सी पार्टी नहीं दे रही ये बताओ? बीजेपी फ्री नहीं दे रही, शुरुआत तो अरविंद केजरीवाल ने करी है ना, तो अच्छा किया है ना, फ्री दे रही है। तो जो लोग लूट रहे थे वो लोग उन्होंने बांटना शुरू कर दिया लोगों को। अच्छा। एक आदमी मान लो जैसे डकैत लोग लूटते थे वो गरीबों में बांट देते थे। अच्छा। तो जो लोग लूट रहे थे ये उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। तो बांटा कहाँ है, वो भी तो आपका GST का ही पैसा है ना? हमारा थोड़ी ना वो, हमारा जीएसटी तो हमारे पास ही है, टैक्स का पैसा, जो टैक्स का पैसा है तो जो गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट खा रही है। हाँ। तो ये बांट रहे हैं। अच्छा, तो ये पसंद आ रही है ना टैक्स? हाँ, पसंद आ रहा है आप लोगों को ये बीजेपी? ये सबसे बढ़िया केजरीवाल है, इससे बढ़िया कोई आज जिंदगी में आदमी नहीं आया। अरे इस पे ये कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल चोर है, दिल्ली को लूट रहे हैं। हम तो कहते हैं ये बीजेपी चोर है, तो फिर इसमें क्या है, कहने से थोड़ी ना कोई चोर हो जाएगा। बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा ईमानदार पार्टी है और मोदी जी तो सबसे बड़े नेता है। हाँ। वो घूमने के नेता हैं। अच्छा, जगह जगह घुमा लो जहाँ मर्जी उनको, तो देश के लिए तो घूम रहे हैं ना? देश के लिए क्या घूम रहे हैं, अपने लिए घूम रहे हैं। हर रोज ना कपड़े बदलते हैं, नए से नए कपड़े बदल के जाते हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? करोड़पति में अमिताभ बच्चन को मिलते हैं कपड़े, ऐसे उनको मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। देश के प्रधानमंत्री अब कहीं जाएंगे तो साफ सुथरे कपड़े तो पहन के जाएंगे। तो हर कोई साफ सुथरे पहनते हैं, हम भी साफ सुथरे पहन के जाते हैं। हाँ। आप साफ सुथरे पहनते हैं, ये भी साफ सुथरे पहनते हैं। हाँ। मगर महंगे तो नहीं पहनते ना। अच्छा, महंगे से दिक्कत है। तो महंगे पहनेंगे तो किसका पैसा जाएगा हमारा? अरविंद केजरीवाल भी तो ये कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, पहले वैगनार से आते थे, अब सिक्योरिटी है, बड़ी बड़ी गाड़ी। स्कूटी तो हर नेता को मिलनी है, नेता के स्कूटी के बिना कोई नेता चल नहीं सकता। उन्होंने आपने सुना भी होगा ना, उन्होंने बच्चों तक की कसम खाई थी। तो ये तो खाते ही हैं सब कि हमने, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है? ईमानदार है। हाँ। कि कसम खाने का ये हुआ उन्होंने कि हम वो
जो ये नहीं लेंगे आप पार्टी के जो बगैर उसके बिना चल ही नहीं सकते। लोग डराते हैं गोली मार देंगे ये कर देंगे, तो सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, सिक्योरिटी के बिना आदमी चल ही नहीं सकता। अच्छा, कट्टर ईमानदार है पार्टी, कौन सा नेता है जो सिक्योरिटी के बिना चलता है? नहीं, कट्टर ईमानदार है पार्टी, कौन? केजरीवाल ईमानदार है, और बाकी इनके विधायक? सब विधायकों थोड़ी मिलते हैं हम। नहीं, विशेष रवि तो है ना यहाँ से? कैसा विशेष रवि? तो बहुत बढ़िया है, सारे काम करता है वो। कैसा करा है पाड़गंज को, कितना विकास किया है, कितने सारा विकास उन्हें किया है, सब सड़कें ठीक कराई हैं, सबको पानी, कोई फोन करो उस टाइम बताता है कि पानी की क्या तुम्हें दिक्कत है, पानी आज आएगा कल आएगा, सारा कुछ बताता है वो। अच्छा। जब मर्जी फोन करो उसको। अच्छा, हर किसी को बताता है, हर चीज बताता है। तो क्या लग रहा है अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या होगा, बदलाव होगा या रिपीट करेंगे? ये तो रिपीट, हम तो कहते हैं रिपीट करनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए। हाँ, पर जो भाजपा वाले वो कहते हैं कि 70 की 70 इस बार विधानसभा सीट हम लेके जाएंगे। तो 400 सीट भी कह रहे थे, 400 पार कह रहे थे। हाँ। चले गए तो लोकसभा सीट तो लेके गए ना? लोकसभा सीट तो मिलजुल के लोगों को डरा के जो मर्जी सीटें ले लो। अच्छा। जिसके मर्जी CBI भेज दो। हाँ। उसकी सीट ले लो। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि जब विकासपुरी में पदयात्रा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, कुछ लोग उनका विरोध करने लगे और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये भाजपा की साजिश है, भाजपा कहीं ना कहीं दिल्ली के सुप्रीमो को मारना चाहती है। BJP जो है ये दिल्ली में इनकी ज़्यादा हुकूमत है। अच्छा। इसलिए डराते हैं और लोगों को लूटते हैं। चलिए देखिए, और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ से विधायक है विशेष रवि, आम आदमी पार्टी से, कैसा काम किया, कितना विकास? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है। आधी रात को हाजिर है वहाँ हम लोगों के लिए। क्या क्या समस्याएं थी पहले पाड़गंज में? समस्या तो चलो अब क्या थी क्या नहीं पता नहीं, पर कोई समस्या अगर है तो विशेष रवि जी इमीडिएट इफेक्ट आ जाते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी है, खुद आ जाते हैं भाई साहब। हाँ जी। और बाकी पूरी आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या? पूरी आम आदमी का पता नहीं है हमें क्या है क्या, हमें अपने विशेष रवि से मतलब है। विशेष रवि से तो यहाँ की जनता अभी क्या चाहती है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, विशेष रवि फिर से आए या बदलाव? वो जनता जाने, हमें क्या पता। आप क्या सोचते हैं? मैं तो चाहता हूँ विशेष रवि आए मेरा बस। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया दिल्ली में। अच्छा, वो तो कह रहे हैं दिल्ली मॉडल बन गई है। मॉडल तो बन गई, देख रहे हैं सब। साफ सफाई होती है देखो ना, बहुत साफ है इधर, आते नहीं है MCD कर्मचारी, कोई नहीं आता इधर। और अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं, ईमानदार है या नहीं है? अब उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड है। आप क्या सोचते हैं? हमें तो BJP बीजेपी अच्छी लग रहा है, BJP आएगी तो ज़्यादा विकास होगा। वो हमेशा आएगी, विकास हो ही रहा है। और आम आदमी पार्टी वाले तो कहते हैं कि मोदी जी तो इस जन्म में नहीं आ पाएंगे कभी भी दिल्ली में। अब वो पता नहीं BJP के जन्म में वो रहेंगे कि नहीं। कौन? आम आदमी, कांग्रेस। कांग्रेस मोदी जी क्यों पसंद है आपको, BJP इतना क्यों पसंद? हम BJP के हैं तो मोदी जी पसंद आएंगे ना? करता है बहुत ज्यादा, हुआ उनके डेवलपमेंट हुआ है पूरा। अच्छा, नहीं आते तो हो भी नहीं पाता। आप क्या काम करते हैं? हम टूरिस्ट एजेंट हैं। अच्छा, ये बताइए कि फ्री की सुविधाएं वगैरह मिलती हैं आप लोगों को? बहुत ज्यादा सब कुछ मिलता है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के काम कैसे लग रहे हैं और विधायक के काम? लग रहा है विधायक विशेष रवि जी बहुत अच्छे हैं, उनको किसी चीज के लिए बोलो तो वो सुनवाई करते हैं, चीज पे देखते हैं, सड़क पे हर चीज पे। हाँ। अच्छा है उनका काम, क्योंकि पार्टी ईमानदार है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि चोर है भ्रष्टाचारी है। अब देखो किसी को अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाने की तो दुनिया की सबकी आदत होती है, ये होता है। कहते हैं ना भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया। अभी सड़क दे रात को 3 बजे आके वो खुद बनवाए इस चीज पे। अच्छा, विशेष रवि, विशेष रवि जी एक उनको मैसेज डाले थे, सड़क टूटी हुई थी, व्हाट्सअप करे दिखाया तो अगले दिन सड़क। गंदगी क्यों नजर आ रही है? अब ये गंदगी क्या बोले, लोग खुद भी गंदगी करते हैं फिर एक दूसरे पे आरोप भी लगाते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, क्या लग रहा है बदलाव होगा या फिर रिपीट करेंगे? कह नहीं सकते क्या, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली की जनता को कौन पसंद है? विशेष रवि जी। विशेष रवि और आम आदमी पार्टी? वही आम आदमी पार्टी तो ही हो भाई, विशेष हमारे यहाँ के MLA वही है विशेष रवि जी। MLA वही है, पूरी आम आदमी पार्टी की बात। हाँ, पूरी आम आदमी विशेष रवि जी। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है? अब ये तो कह नहीं सकते, अंदर की चीज तो कोई बता नहीं सकता कि अंदर की बातें क्या है क्या नहीं है। ये हमारी शॉप है। लाइसेंस बना आपका? अभी कुछ भी नहीं बना, जो बोले थे कुछ नहीं बना। फ्री की सुविधाएं मिल रही है? हमारा तो बिल वही आ रहा है, 4-5 बिल जो पहले आता था वही हमारा। फिर क्यों चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी? ये कि उनसे थोड़ा बहुत कोई काम होता है ना, सुन लेते हैं वो। चलिए देखिए, इस वक्त मैं विशेष रवि की विधानसभा में मौजूद थी,
करोलबाग विधानसभा में पाटगंज इलाके में कितना विकास हुआ, यहाँ की जनता उनके काम से बेहद खुश है और चाहती है कि फिर से जो है विधायक विशेष रवि ही आए आम आदमी पार्टी से। और देखना ये होगा कि इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्या आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी या फिर बदलाव होगा। मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।